आम जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार से राज्य में जिले के अंदर व भीतर बस संचालन सेवा प्रारंभ करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आदेश के दूसरे दिन बस संचालकों ने राज्य सरकार के परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइन को अव्यवहारिक बताते हुए बस संचालन प्रारंभ करने से मना कर दिया गया, जिसका सीधा असर अभनपुर विधानसभा के नवापारा राजिम शहर में भी देखने को मिला, जहां यात्री बस स्टैंड पहुंचे लेकिन बस नहीं चली और वे यात्रा करने के लिए परेशान होते रहे। स्थानीय रायपुर राजिम महानगरीय बस सेवा संघ की बस संचालकों ने बस चलाने से मना कर दिया। नगर के बस संचालकों का मानना है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन वाहन मालिकों के लिए दुविधापूर्ण भरी है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बस में यात्रा के दौरान यात्रियों को सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केवल निर्धारित स्थानों पर बसों का स्टॉपेज होगा। नियमित अंतराल में बस में सैनिटाइज व छिड़काव, यात्रा करने वाले यात्रियों का संपूर्ण जानकारी तिथिवार संधारित करना, चालक परिचालक सहित सभी यात्रियों का चेहरे पर मास्क होना, ड्राइवर के केबिन पर यात्रियों का प्रवेश वर्जित, बस में या चढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, यात्रा के दौरान गुटखा खैनी तम्बाकू खाना और थूकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा आदि बातें उल्लेखित की गई हैं, जिसमें वाहन मालिक द्वारा कई बिंदुओं पर सामंजस्य स्थापित कर पाना काफ़ी मुश्किल है। यातायात महासंघ के महासचिव व रायपुर राजिम महानगरीय बस सेवा संघ के कोषाध्यक्ष झालाराम चंद्राकर ने कहा कि शासन की इस गाइडलाइन के साथ बस वाहन मालिकों का काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। वर्तमान में बढ़ती डीजल के दाम, निर्धारित स्टॉपेज पर ही बस को रोकना, क्षमता से आधी सवारी भरना, यात्रियों का जानकारी ट्रेवल संबंधित जानकारी संधारित करना, नियमित रूप से सैनिटाइजर का छिड़काव करना, 3 से 5 मिनट की अवधि में बसों की अंतरकाल को मेंटेन करना, साथ ही भारी भरकम टैक्स भरना, यह सब वाहन संचालकों के लिए चुनौती भरा काम है। इसी समस्याओं के चलते बस संचालन की परमिशन के बावजूद भी हम सभी संघ के सदस्यों ने बस संचालन सेवा बंद रखा है। हमारी मांगों को लेकर यूनियन के सदस्य प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल व परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे इन गाइडलाइन में पुनर्विचार कर इसमें कुछ छूट व लचीलापन लाने के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे। हमारे साथ यातायात महासंघ के प्रदेश सचिव झालाराम चंद्राकर जी यहाँ पर हैं। जी बताइए, आज से बस का संचालन होना था, कि आप सभी ने बस का संचालन क्यों प्रारंभ नहीं किया? बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हम लोगों ने वाहन संचालन करने का एक सोच बनाया थी जी, किंतु नई गाइडलाइन जो हमारे लिए आया है जी, वो बड़ी त्रुटिपूर्ण और दुविधापूर्ण रहा जी, तो हम उस गाइडलाइन में सुधार करते हुए अति शीघ्र वाहन संचालन करना चाहते हैं जी, किंतु डीजल का रेट और गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ट्रेवल्स का जो बायोडाटा तैयार करना और 2 टाइम गाड़ी का धुलाई पुछाई सैंपलिंग करना, सफाई करना, ये तमाम और 2 से 5 मिनट तक के गाड़ियों का अंतराल का होना, ऐसे स्थिति में बड़ी उलझन भरे स्थिति में फंस गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग इस समस्या के? हम लोग इस समस्या के लिए थोड़ी सी लचीला माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए, आग्रह करते हैं, इस पर थोड़ी सुधार करते हुए हमारे को वाहन संचालन का अनुमति प्रदान करें, तो हम यात्रियों को समस्त सुविधा प्रदान करेंगे और वाहन का संचालन करेंगे। आपके पदाधिकारी भी कौन मिलने वाले हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस संबंध में? जी हाँ, अभी वर्तमान में हमारे यातायात महासंघ प्रदेश सचिव के समस्त पदाधिकारी माननीय प्रकाश देशलहरे जी अध्यक्ष जी, आकाश गिल जी सोशा मिलेंगे जी, ये सब जाके मिलेंगे। जी हाँ, इन पांच लोगों की एक समिति बनाई गई जी, है जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से आज उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे मुलाकात करने जाएंगे जी, और क्या डिसीजन आता है उनके द्वारा जी, तो महानगरी यातायात महासंघ प्रदेश राजधानी के मार्गदर्शन में हम लोग अपनी वाहन का संचालन शुरू कर देंगे जी, इतना ही कहना है। संघ के आरक्षक रतिराम साहू ने कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन छोटे बस संचालकों के लिए काफी नुकसान भरा है।
आज 3 महीने से बस खड़ी है, जिसके चलते बस संचालकों के पास आर्थिक समस्या की विकट स्थिति बनी हुई है। सरकार को बस में लगाए जाने वाले टैक्स को आगामी 3 महीनों के लिए माफ करना चाहिए और इस गाइडलाइन में सुधार करते हुए कुछ ऐसे लाभदायी कदम बस संचालकों के हित में लेना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान न हो, तो कहीं जाकर बस संचालक सेवा पहले की तरह बहाल हो पाएगा और यात्रा करने वाले आम जनों को भी राहत मिल सकेगी। हमारे साथ रायपुर राजिम महानगरीय बस सेवा संघ के संरक्षक रतिराम साहू जी यहाँ पर हैं। जी साहू जी, बताइए, आज से बस संचालन प्रारंभ होना था पूरे राज्य में, कैसे किस प्रकार की समस्या आ रही जिसमें आप सभी ने आज से बस संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया? देखिए क्या है, एक तो सरकार ने जो निर्णय लिया है अभी बस संचालित करने के लिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से अव्यवहारिक है, उचित कहा नहीं जा सकता। इसलिए 3-3 महीने तक आज बसें खड़ी हैं और कई ऐसे बस मालिक हैं जिनके पास मात्र एक या दो ही बस है, जो सीधे सीधे उसी पर ही उनका जीवनयापन का काम साधन है जी। उसके अलावा कोई और संसाधन भी नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में आज उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जी। और रहा सवाल यह है कि लगातार अभी जो डीजल और उसकी महंगाई जो बढ़ते जा रही है जी, उस चीज को देखते हुए उसमें भी कोई रियायत होना नहीं है जी। और जब अभी गाड़ियां चली नहीं है जी, 3 महीने तक खड़ी है जी, और जब रोड पे गाड़ी चली नहीं है तो उसका आखिर टैक्स लेने का भी कोई औचित्य नहीं होता जी। तो किसी प्रकार के सरकार ने टैक्स माफ करने की घोषणा किया नहीं है जी जी जी। तो इस महीने का भी किया जाना चाहिए था, और परिस्थितियों को देखते हुए आगे 3 महीने के और कम से कम टैक्स माफ किया जाना चाहिए जी। ये हम सबकी गुजारिश है शासन से, सरकार से जी। और इस तरीके से मदद हम सब बस मालिकों को मिलना चाहिए जी। और रहा सवाल जो इतनी सारी नियमें दी हैं जी, वो उसमें पालन नहीं हो सकता जी। एक तो कहा जाता है कि सबका स्थायी पता क्या है कैसा है ये नोट करने का ड्राइवर कंडक्टर को भी हिदायत दी जा रही है जी। ये संभव नहीं है जी। इसलिए संभव नहीं कि वो यात्रियों से पैसे लेंगे कि नाम पता नोट करते रहेंगे, सामान को देंगे, उनको उतारेंगे, तो इस तरीके से वहां पर कोई वो काउंटर बना के नहीं बैठ सकता राइट। ये संभव ही नहीं है। इससे मन इस समस्या की नहीं जाती है, अब क्या करेंगे? अभी हमारे पूरे प्रदेश स्तर पर हमारे जो यूनियन के पदाधिकारीगण हैं जी, वो इस संबंध में दिशा में अपनी सब सारी बातों को सुझाव रखते हुए परिवहन मंत्री से बात करने के लिए समय मांगा है जी। और संभवतः कल इस संबंध में बैठक होगी और निश्चित तौर पर इस दिशा में परिवहन मंत्री महोदय जो है हमारे बस मालिकों के हमारे सब व्यवसाय के संबंध में निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा उम्मीद है जी। धन्यवाद। प्रमुख रूप से निवेदन करने वालों में रायपुर राजिम नगरीय बस संघ के अध्यक्ष रमेश तिवारी, सूर्यकांत शुक्ला, श्रीकांत सिन्हा, योगेश शुक्ला, राजेश यादव, ललित यादव, राजा खान, वीरेंद्र शर्मा, शिवराज सिल्लू देवांगन, अब्दुल मोहम्मद सकूर सहित अनेकों बस संचालक शामिल हैं। कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ ने बस संचालक सेवा बहाल करने के आदेश के बाद ड्राइवर कंडक्टर संघ में खुशी की लहर थी, लेकिन बस संचालकों द्वारा नुकसान होने के हवाला देने के बाद बस परिवहन प्रारंभ न हो पाने से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ड्राइवर कंडक्टर संघ के अध्यक्ष किशोर साहू ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि संघ के सभी सदस्य 3 महीने से घर पर बैठे हैं, जिससे उन सभी की परिवार की माली हालत अत्यंत दयनीय है, भूखे मरने की स्थिति निर्मित हो रही है। इस कार्य के अलावा अन्य संसाधन उनके पास नहीं है, ऐसे में उन्हें प्रदेश सरकार से बस संचालन के जारी गाइडलाइन में सुधार व पुनः बस संचालन करने की अनुमति देने की मांग की, इससे उनका भी हित हो सकेगा। डीएनएक्स टीवी के लिए नावापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ रायपुर राजिम महानगरी बस सेवा संघ के ड्राइवर कंडक्टर संघ के अध्यक्ष यहाँ पर है किशोर साहू जी। जी बताइए किशोर जी, किस तरह की समस्याएं आज आप सबको फेस करनी पड़ रही है? हर चीज की समस्या सर, चावल दाल आटा गेहूँ डॉक्टर पैसे वैसे दुनिया इधर उधर हर चीज का तकलीफ है सर, कोई चीज नहीं है जिसमें तकलीफ हमको नहीं है। आज से संचालन प्रारंभ होने का था बस का जी, और स्पेशली आज से फिर गाड़ी आप लोगों की रुक गई, बस संचालकों ने चलाने से मना कर दिया जी, फिर क्या स्थिति बन रही है आप लोगों? अब आप वही बताएंगे जी, हमारे पास तो और सक्षम नहीं है, नहीं तो भूखे मरेंगे, यही है हमारे पास सवाल।
अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से कोई भूखा मार न करे, सभी अच्छा रहे, हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे रहें, सभी अच्छे रहे, शासन से हमको यही। तो गाइडलाइन जो आई है उसमें थोड़ी लचीलापन लाई, अभी यही चाहते हैं। जी जी, उसमें जब तक उनको उद्योगपति लोग या पैसे वाले गाड़ी का एवरेज नहीं होगा तो कौन चलाएगा सर? जी जी, ठीक है।